इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स में आप सभी को वेलकम करते हैं। सबसे पहले आज का रोड मैप, आज हमने इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि आईसीटी क्या होती है और हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और क्या है ये असल में। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूजर्स के लिए पढ़ेंगे, जिसमें हम नज़र मारेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को, वर्क स्टेशंस को, नोटबुक कंप्यूटर को, टैबलेट पीसीज को एंड हैंड हैंडल कंप्यूटर्स स्मार्टफोन्स को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईसीटी। आईसीटी है क्या? व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी स्टैंड फॉर, आई मीन्स इंफॉर्मेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन, टी मीन्स टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम आईसीटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ कंप्यूटर। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? लाइक अ परफ्यूम, व्हेन वी स्प्रे एट एन प्लेस इट इज स्प्रेड एवरीवेयर इन रूम। अगर हमने किसी रूम में स्प्रे की है एक कॉर्नर पे, तो वो पूरे रूम में फैल जाती है उसकी खुशबू। इसी तरह ये फ्यूजन ऑफ कंप्यूटर, एक मतलब कि बहुत सारी जगह पे फैला देना कंप्यूटर को। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज आईसीटी, ये क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, ये दो टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सेकंड है कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम इन दोनों के बारे में अपने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, जो कि था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये था हमारे उस लेक्चर का नाम, ठीक है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसको तो हम कम ही देखेंगे, क्योंकि ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो नेक्स्ट होने वाला है। आगे है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसमें हम प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, मतलब यूटिलाइजेशन इंक्रीज करते हैं। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन सी होती है? लाइट्स डिवाइस, ठीक है। एंड सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? फॉर एग्जांपल मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये नेटवर्क कंप्यूटर, ये जो होते हैं ना, ये सारी हमारे पास क्या आ जाती है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। आईसीटी इज मैनी टेक्नोलॉजी डैट हेल्प टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये कोई भी टेक्नोलॉजी होती है जो मदद करती है हमें बनाने में, कोई मैनिपुलेट करने में, डाटा स्टोर करने में, या कम्युनिकेट करने में, या डिसमिनेट इंफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। और मर्ज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन, ठीक है। हाई स्पीड इसमें बहुत अहम लफ्ज है, जो लिंक करता है कैरी डेटा को, साउंड एंड वीडियोज वगैरह को कैरी करने के लिए, ठीक है। वही बात, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। एक्चुअली में कंप्यूटर है क्या चीज़? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो डाटा को कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में। इसमें प्रोसेस परफॉर्म होता है। प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होता है? कंप्यूटर के किस पार्ट में? सीपीयू में। कहाँ पे? सीपीयू पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है, जो कि मेन उसका कंप्यूटर का पार्ट है, जिसमें सारे कंप्यूटिंग होती है। कंप्यूटिंग क्या होती है? ऑपरेशन प्रोसेस वगैरह। मॉडर्न कंप्यूटर और डिजिटल, जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर है वो डिजिटल है, जो टू डिजिट्स का कम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, अभी इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ओल्डर कंप्यूटर वर एनालॉग्स, जो पुराने कंप्यूटर थे, जो हमारे दादा परदादा अब्बाओ अजदाद यूज़ करते थे, वो एनालॉग अभी ख़त्म नहीं हुए। इतनी बात याद रखना, क्योंकि वो कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी होती हैं पुरानी चीज़ें भी, ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। अरेंज ऑफ वैल्यू मेड डाटा, अभी आपको अगर नहीं समझ आई, परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट आने ही वाले हैं इसकी तरफ। कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन।
एक मैसेज या एक कोई भी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन और डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने का नाम है कम्युनिकेशन। ठीक है, आजकल कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट है वुमेंस में, इतना याद रखना, जो कि बहुत एमपी की पोस्ट वगैरह भी बदनाम होती हैं। चलिए बात होता है मजाक आगे, इसके टू वेव्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, यूजिंग वायर्स एंड यूजिंग वायरलेस। यूजिंग वायर्स में कौन से मेथड्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से या ऑप्टिकल सिग्नल की वजह से। ठीक है, और वायरलेस में हमारे पास कौन से मेथड आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं, अकॉस्टिक वेव्स आ जाती हैं, साउंड वेव्स जिसे कहते हैं, और यूजिंग एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिस्टम सिग्नल। सॉरी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग क्या है, ठीक है, अब आपको समझाती हूँ। एनालॉग जो होता है, रिप्रेजेंट डाटा एज वेरिएबल पॉइंट अलोंग अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यूज। ठीक है, कहते हैं कि जहाँ नंबर सिस्टम नहीं ना होता वो एनालॉग होता है। ठीक है, और एनालॉग में हम वो 0-1 का खेल नहीं खेलते। ठीक है, एनालॉग जो होता है ना, वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल पॉइंट्स? अर्लियर एनालॉग कंप्यूटर वर्ड मैकेनिकल डिवाइसेस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स की मदद से या मैकेनिकल वेव की मदद से हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये बहुत डिजिटल सिस्टम के मतलब बहुत मुख्तलिफ तरीके से काम करता है ये जो है ना एनालॉग सिस्टम। और ये जो एनालॉग सिस्टम है ये बहुत ही पायदार होता है, रिलायबल। ठीक है, और वेयर सर्वर टॉन्स। ठीक है, टॉन्स यूजिंग मोटर्स एंड गैरीज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें हम वो मैकेनिकल पार्ट बड़ा यूज़ करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम, जैसे हमारी वॉच वगैरह है उसके पीछे जो हम ग्रारीज वगैरह लगी होती हैं वो घूमती हैं तो प्रोसेस परफॉर्म होता है। लेकिन हमारे डिजिटल सिस्टम में वैसा नहीं होता, उसमें हमारी चिप वगैरह लगी होती हैं। ठीक है, और ये कैलकुलेशन परफॉर्म ही उसी बेस पे करता है। और मैनेजेबल टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज अ ओल्ड फैशन स्लाइड रूल्स। ठीक हो गई बात, आगे हम पढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा बाय मीन ऑफ नंबर 0-1 की खेल लगती है इसमें, 0-1 ऑन। ठीक है, ऑन ऑफ जब हम अपने कीबोर्ड पे कोई भी नंबर प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ABC अल्फाबेटिक्स में से कुछ भी, उसका एक ASCII कोड होता है। वो ASCII कोड हमारे CPU में या प्रोसेसिंग सिस्टम में जाके प्रोसेस परफॉर्म करता है, उसको भी वो हमारे पास इन आउटपुट जब आता है उसको एक पीछे हमारे नंबर्स होते हैं वो परफॉर्म जो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आउटपुट जहाँ जहाँ वो नंबर जो नंबर परफॉर्म हो रहा है ना, जहाँ वो जीरो होगा वहाँ पे वो ब्लॉक्स बंद हो जाएगा मैट्रिक्स में, फिर वो हमेशा इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये बहुत लंबा चलने वाला। इस पर अगर हमें कमेंट्स ज़्यादा आए या व्यूज़ या मतलब कि डिमांड ज़्यादा हुई तो हम इसको डीपली हम लेकर चलेंगे इस टॉपिक को। ये बहुत ही मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इसमें डिजिटल कंप्यूटर का मज़ा आ जाता है, स्वाद आ जाता है ये बाइनरी नंबर के साथ खेलने का। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट कभी इस पे टॉपिक पे लेक्चर ज़रूर बनाएंगे, और इंशाल्लाह आपको 100% आपको इसकी समझ आ जाएगी तब। ठीक है, और दे ब्रेक ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू 10 यूनिट। ओके, ये जो हमारा सिस्टम है ना लैपटॉप, इसका आप गौर से देखें, इसमें मैट्रिक्स छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स के पीछे जो है ना 0-1 का खेल है। अब ये 0-1 ऑफ ये जब होता है ना ऑन ऑफ, ये तब हमें ये आउटपुट हासिल करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। अगर नहीं आई आप इसको
इस दर ब्रेक करें और इसको प्रीवियस लेकर चलिए और दोबारा से सुन सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप मुझे दोबारा कमेंट करके इस पर नया वीडियो बनाने के लिए आप कह सकते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन कर सकूँ। क्या पता वो मेरे माइंड से स्किप हो गई हो जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और एक बात, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ना, ये वर्क करता है वेरी स्ट्रिक्टली सीक्वेंस ऑफ बाय स्टेप प्रोसेस इन यूनिट इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन दे मस्ट बी फॉलो, ठीक है। आप भागे कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी है। कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज बाय सर्वर वे, कौन कौन से वे हैं। कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूज एंड ऑर्गेनाइजर यूज, इंडिविजुअल यूज मतलब अपनी जाती चीज, अपनी जाती एक बंदा यूज कर सकते सीक्रेट वे में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजर उसको बहुत से लोग मतलब नेटवर्क के सिस्टम में, मतलब एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने वो रायते का बोर्ड रखा हुआ है, वो सभी यूज़ करते हैं। अब वो प्लेट में जो हमने अपने लिए जाती चावल बोलते हैं ना, हमारी प्लेट में से कोई उठा उठा के खाता, ठीक है ना, वो अलहदा बात है हम किसी से शेयर करनी तो, ठीक है। आप हंस रहे होंगे मैं आपको कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूज में हमारे पास 6 प्राइमरी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, नोटबुक कंप्यूटर एंड टैबलेट कंप्यूटर, हैंड हैंडल्स कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ओके। अब हम पढ़ते हैं पहली टाइप की तरफ, डेस्कटॉप कंप्यूटर है क्या। ये मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, जो मोस्टली यूज होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत कॉमन है। पीसी इज डिजाइन टू सिट ऑन द डेस्क और टेबल, ठीक है, या अंडर गार्डन या ऑन गार्डन, जहाँ मर्जी सिट करवा लें इसको, ठीक है। ये टेबल्स के ऊपर रखा जाता है। इसका डेस्कटॉप मतलब ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ हो सकता है, मोस्टली घरों में ही यूज़ करते हैं। वो हमारे पुराने वक्तों में यही मोस्टली, अब तो लैपटॉप्स ने ऐसी जगह ले ली हुई है ना, अभी ये भी नहीं ख़त्म हुई। आपको ना मैं बताती चलूँ, वो सॉरी पीछे पॉइंट स्किप हो गया था, एक वो जरूरी पॉइंट मुझे याद आए। एनालॉग जो होता है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। एनालॉग्स डिजिटल और एनालॉग एक ऐसी चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। डिजिटल बेशक बहुत ज़्यादा जगह ले ले, लेकिन एनालॉग फिर भी रहेगा। ये जो मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ ये आप तक कैसे पहुँच रहा है, मैं डिजिटल में सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, दरमियान में एनालॉग लगा है, वो फंक्शन परफॉर्म करके एक सर्वर में वो फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अहम था, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, सॉरी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। हमने अच्छा सिस्टम यूनिट वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है। और परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क इसमें परफॉर्म किया जाता है, और कैन बी वर्क एज अ सर्वर और वर्क स्टेशन। ये हर माइनर में हमारे पास काम कर सकता है, और ये कमर्शियल यूज के लिए काम ही मतलब कि हो सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर और फोन फार मोर पावरफुल देन दो जस्ट अ फ्री ईयर एगो, ठीक है, समझ आ गई है ना। ये बहुत पावरफुल हो गया है, इसमें आप मोस्टली ये यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, प्रोड्यूस म्यूजिक के लिए, एडिटिंग फोटोग्राफ के लिए, वीडियोस, प्लेस साउंड, न्यूक्लियर फिजिस्टिक डेस्कटॉप कंप्यूटर आइडेंटिटी, मतलब कि मोस्टली ब्रांचेस के नाम में भी यूज़ होता है ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं हम लेके जा रहे, अगर डीपली लेके चलेंगे तो पूरा हमारा लेक्चर ही इधर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने ये जस्ट इसका ओवरव्यू ही देखना है, हमने ज़्यादा डीपली नहीं जाना, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही इसको लेके चलेंगे। वर्क स्टेशन क्या है, ये स्पेशलाइज कंप्यूटर है, ये डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, मीन्स के ग्राफिकल यूजर यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि इसमें ग्राफिकल यूज़र के लिए फंक्शनल ये लाइक एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक स्पेशल इसमें कोई चीज़ें डाली गई हैं, ऑप्टिमाइज फॉर द साइंस और ग्राफिक्स, मोर पावरफुल देन डेस्कटॉप, ठीक होगी बात। आगे है हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर।
मोबाइल्स कंप्यूटर एंड वेट, मोबाइल्स कंप्यूटर होती हैं ठीक है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसका वेट इतना कम होता है कि 2.5 पाउंड से 9 पाउंड इतना इतना इसका वेट होता है इसके दरमियान और अबाउट 8.5 बाई 11 इंचेस ठीक है, इतना इसकी इंचेस स्क्रीन वगैरह हो सकती हैं और टिपिकली एज पावरफुल एज अ डेस्कटॉप। इसमें कोई कमी पेशी नहीं है, पावरफुल भी वैसा ही है, कोई इसमें कमी पेशी नहीं है ठीक है। कैन इंक्लूड अ डॉकिंग स्टेशन, इसमें डॉकिंग स्टेशन इंक्लूड किया जाता है। डॉकिंग स्टेशन होता है क्या? डॉकिंग स्टेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम इस डॉकिंग स्टेशन जो होता है ना, विच इज मैं इसको आप कैसे डिस्क्राइब करूँगी, हाँ ये डॉकिंग स्टेशन जो होता है ना, इसमें प्रोवाइड की जाती है एडिशनल पोर्ट्स वगैरह जो हम कनेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर्स के साथ, प्रिंटर्स के साथ, और भी बहुत सी मतलब बहुत सी चीज़ें हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये चलिए जी, ये तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अ प्लेटफॉर्म इन टू विच यू कैन इंस्टॉल अ पोर्टेबल कंप्यूटर ठीक है। द डॉकिंग स्टेशन टिपिकली कंटेन्स स्लॉट फॉर एक्सपेंशन कार्ड बाय फॉर स्टोरेज डिवाइस एंड कनेक्ट फॉर क्रिटिकल डिवाइस सच एज प्रिंटर मोनिटर। वंस इंसर्ट इन आवर डॉकिंग स्टेशन द पोर्टेबल कंप्यूटर एसेंशियली बिकम अ डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर ठीक है। बात क्या कहना चाह रहा है कि डॉकिंग स्टेशन आल्सो प्रोवाइड एडिशनल पोर्ट दैट इनेबल द नोटबुक कंप्यूटर टू बी कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइस आर नेटवर्क इन द सेम मैनर एज अ डेस्कटॉप सिस्टम। ये जो आपको नज़र आ रही है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह दिख सकती है, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस तरह पोर्ट्स लगी होती हैं जो लैपटॉप पे काम ही होती हैं। इसको लगाने से हम बहुत सी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डेस्कटॉप सिस्टम की तरह हम वर्क ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं टैबलेट कंप्यूटर में। ये न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन पोर्टेबल कंप्यूटर है ठीक है, और इनपुट इज थ्रू बाय अ पेन, पेन के थ्रू हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हमारे पास आ जाती है, और स्पेशलाइज वर्जन, और ये ऑफिस प्रोडक्ट है मतलब कि इसको बाय हैंड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम स्केजुअल देख सकते हैं कि एक हमारे पास नोटबुक है, पहले हम नोटबुक पे सारा टाइम स्केजुअल नोट करते थे, बहुत पुराने ज़माने की बात है, हम नहीं हमारे दादा पढ़ता होता वो यूज़ करते थे ठीक है। और अब तो ये डिजिटल सिस्टम में आ गई हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है ठीक है। हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर, ये मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं, वेरी स्मार्ट कंप्यूटर्स हैं ठीक है। कैन कम्युनिकेट वायरलेस ठीक है, और इनपुट बाय सैटेलाइट्स, एंड ये सैटेलाइट्स अब मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्क्राइब कर लिया था। नोट टेकिंग और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट डाटा कैन सिंक्रोनाइज विद द डेस्कटॉप ठीक है। आगे हम PDA की तरफ चलते हैं। व्हाट इज PDA? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ठीक होगी बात। ये पर्सनल ऑर्गेनाइजर फंक्शन के लिए है और ये हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, कीबोर्ड फैसिलिटी होती है, वॉइस इनपुट भी हो सकते हैं। ये एक हमारा असिस्टेंट होता है, एक पर्सनल असिस्टेंट जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, और ये टेलीफोन कैपेबिलिटी भी होती है। डू PDA हैव अ इंडस्ट्री स्पेसिफिक एप्लीकेशन या फिर क्वेश्चन ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूज़ क्या है? ये है इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं स्मार्टफोन्स। कन्वेंशन फॉर वन हैंड ऑपरेटर हाइब्रिड ऑफ सेल फोन एंड PDA वेब सर्विंग, इसमें हम एडिशनल फीचर्स परफॉर्म किए जाते हैं। स्मार्टफोन इतने कॉमन हो गए हैं अब तो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बच्चा बच्चा इसके साथ खेल रहा होता है ठीक है। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई आप हमें कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट कीजिएगा ताकि आप मुझे भी पता चले कि आपको वाकई में यह फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे में क्या कमी है, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। और इसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपका और आपके दोस्तों का फ़ायदा हो। अगर आप